हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेंस टॉक्स में। दिस इज़ हैशटैग सेंस टॉक 011। तो आज से हम सीएनसी टर्निंग के साथ साथ वीएमसी के प्रोग्राम भी शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक वीएमसी मशीन होती क्या है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसके ऊपर हम लोग कौन कौन से टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो वीएमसी का मतलब होता है वर्टिकल मिलिंग सेंटर। तो जो हमारी वीएमसी मशीन होती है वो बेसिकली 3x मशीन होती है। तो इसमें हमारा टूल 3x में मूव कर सकता है, एक हमारे एक्स एक्सिस, एक हमारे वाई एक्सिस और एक हमारे जेड एक्सिस। तो जैसे टर्निंग में सिर्फ दो ही एक्सिस होती हैं, एक हमारी एक्स होती है और एक जेड होती है, मतलब टूल या तो जेड मूव करता है इस साइड को या तो इस साइड को एक्स मूव करता है। लेकिन हमारी मिलिंग मशीन में 3 एक्सिस होती हैं, तो टूल एक तो एक्स एक्सिस को मूव कर सकता है इस साइड को, वाई एक्सिस से मूव कर सकता है इस साइड को और जेड एक्सिस में ऊपर से नीचे इस साइड को भी मूव कर सकता है। तो हमारी वीएमसी में सबसे पहले मशीन टेबल होता है। सपोज कि ये हमारा मशीन टेबल है, तो मशीन टेबल के ऊपर हमारा फिक्सचर रहता है। तो इसके ऊपर सपोज कीजिए ये हमारा फिक्सचर, मान लीजिए कुछ इस तरीके से फिक्सचर हमारा होता है जिसमें हम लोग हमारे वर्क पीस को क्लैंप करके रखते हैं। तो फिक्सचर में सपोज कि ये हमारा फिक्सचर है, इसमें हम लोग अपना जो भी वर्क पीस है उसको पकड़ कर रखते हैं, उसको क्लैंप करके रखते हैं। और टॉप साइड को हमारा होता है टूल होल्डर। तो इस साइड से हमारा टूल होल्डर आ गया और इसमें तो कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग में हमारा स्पिंडल होगा, उस स्पिंडल में लगा होगा हमारा टूल होल्डर और टूल होल्डर के अंदर होगा हमारा टूल। ये हमारा टूल है और ये है टूल होल्डर और ये होता है स्पिंडल। अब हम इसमें 3 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, एक हमारी जेड एक्सिस जो ऊपर से नीचे आई जेड एक्सिस, एक एक्स एक्सिस जो इस साइड को है और एक हमारी वाई एक्सिस जो इस तरफ। तो अब इसमें बेसिकली होता क्या है, जो हमारा स्पिंडल है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ऊपर से नीचे, मतलब जेड डायरेक्शन में। इसकी मूवमेंट सिर्फ जेड डायरेक्शन में होती है। और जो हमारा टेबल है वो मूव करता है एक्स और वाई के साइड को। तो टेबल मूव करेगा एक्स वाई में और जो हमारा स्पिंडल है ये मूव करेगा जेड डायरेक्शन में। सपोज़ कीजिए कि हमें इस पे एक स्लॉट काटना है कुछ इस तरीके से, एक सेंटर में एक स्लॉट काटना है। तो होगा क्या, हमारा स्पिंडल नीचे आएगा, टूल ये टेबल मूव करेगा, टेबल मूव करते हुए ये पॉइंट को इसके सामने लेके आएगा और जैसे जैसे टेबल आगे जाता जाएगा तो वैसे वैसे ये स्लॉट हमारा काटता जाएगा। तो कुछ इस तरीके से एक वीएमसी काम करती है। तो चलिए अब बात करते हैं वीएमसी के कुछ बेसिक पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर आया हमारी टूल मैगजीन। तो जैसे हमारे सीएनसी टर्निंग में टूल टरेट होती है जिसमें सारे टूल्स लगे होते हैं, वैसे ही सीएनसी में होती है टूल मैगजीन जिसमें हमारे सारे टूल्स लगे होते हैं। तो कुछ इस तरीके से मान लेते हैं हमारे टूल मैगजीन जिसमें कुछ इस तरीके से हमारे मान लीजिए टूल लगे होते हैं, सपोज़ कीजिए इस टाइप से, और इसमें नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस साइड को हमारा होगा स्पिंडल, इसमें लगा होगा टूल होल्डर और टूल होल्डर के अंदर लगा होगा हमारा टूल। तो अब जो चीज़ यहाँ से टूल को चेंज करती है स्पिंडल के अंदर उसको हम बोलते हैं ATC, इसका मतलब ऑटोमेटिक टूल चेंजर। तो यहाँ पे सेंटर में हमारा आता है ATC, कुछ इस टाइप से होता है। तो ATC का काम ये होता है कि टूल मैगजीन से टूल को उठाकर स्पिंडल में
फिट करना। तो जब भी हम किसी टूल चेंज करने की कमांड देते हैं तो हमारा एटीसी वर्क करता है। तो सपोज़ कीजिए मैंने कोड दिया M06T02। अब M06 का कोड का यूज़ करते हैं ऑटोमेटिकली टूल को चेंज करने के लिए, और साथ में नंबर दिया T02, मतलब दो नंबर का टूल हमें स्पिंडल में चाहिए। तो होगा क्या, टूल मैगजीन रोटेट करेगी और दो नंबर का टूल पहले सामने आएगा, उसके बाद एटीसी वर्क करेगा और टूल को यहाँ से उठा के स्पिंडल में फिट कर देगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा टूल मैगजीन और एटीसी वर्क करता है। उसके बाद हमारा आता है टूल होल्डर। तो टूल होल्डर कुछ इस तरीके से दिखता है, और इसके अंदर जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, टूल होल्डर में हमारे टूल्स फिट होते हैं या कि फिक्स होते हैं। उसके बाद हमारा है एटीसी, जिसके बारे में हमने अभी बात की कि एटीसी वो चीज़ है जो टूल मैगजीन से टूल को उठा के स्पिंडल में फिट करती है। तो उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक टूल चेंजर, जो हमारे टूल को चेंज करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद हमारा है मशीन टेबल। तो मशीन का टेबल जो मशीन के बेड पे होता है कुछ इस तरीके से, जिसके ऊपर हम लोग अपना फिक्सचर जिग फिक्स करते हैं और उसके ऊपर हमारा जो कंपोनेंट होता है उसको फिट करते हैं। तो जो हमारा मशीन टेबल होता है वो दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक एक्स साइड को और दूसरा वाई साइड को। और एंड में आता है हमारा कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल किसी मशीन का कुछ इस तरीके से दिखता है, और मशीन पे हमें जो भी काम करना है, कोई प्रोग्राम एडिट करना है, एंटर करना है, या मशीन को कोई भी हमें इंस्ट्रक्शन देनी है, तो वो सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल पैनल के थ्रू होती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि VMC पे कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन आता है ड्रिलिंग। तो कोई भी हमारा वर्कपीस है उसमें हमें ड्रिल करना है, तो किसी भी वर्कपीस पे किसी भी पोजीशन पे हम लोग VMC में ड्रिल कर सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए हमने ये चार पोजीशंस पे ड्रिल करना है, तो ईजिली हम लोग VMC पे ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑपरेशन आता है मिलिंग। तो मिलिंग करने के लिए हमें ज़रूरत होती है मिलिंग कटर की। तो मिलिंग ऑपरेशन बेसिकली सपोज़ कीजिए ये हमारे पास एक वर्कपीस है जो इसकी थिकनेस हाइट है वो सपोज कीजिए 50 mm है, तो हमें इसको मिलिंग करके 40 mm का करना है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे मिलिंग कटर का, जो कुछ इस तरीके से सामने इंसर्ट लगी होती हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा मिलिंग कटर होता है, मिलिंग कटर आएगा और कुछ इस तरीके से मटेरियल को रिमूव करता जाएगा इस डायरेक्शन में, और उस तरीके से हम लोग मिलिंग ऑपरेशन इजीली कर सकते हैं VMC पे। उसके बाद आता है नेक्स्ट टैपिंग। तो टैपिंग ऑपरेशन बेसिकली होता है किसी भी ड्रिल में थ्रेड करना, किसी भी ड्रिल में थ्रेड करना, या इसको हम बोलते हैं चूड़ी काटना। तो किसी भी ड्रिल में या कहीं पे भी हम थ्रेड जब करते हैं उसको बोलते हैं टैपिंग। तो वो इसमें इजीली की जा सकती है। और एक लास्ट चीज़ जो बेसिक ऑपरेशन है VMC का, उसको हम बोलते हैं बोरिंग। तो ये काम आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि बोरिंग और ड्रिलिंग इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो अब इसी तरीके के VMC प्रोग्रामिंग पे बहुत सारे वीडियोज़ आने वाली हैं, तो चैनल पे बने रहिए और प्रोग्रामिंग सीखते रहिए।